नमस्कार दोस्तों, उपवास करना पुराने समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। आजकल इंटरमीटेंट फास्टिंग या रुक रुक कर उपवास करना स्वस्थ रहने के लिए तेजी से लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरमीटेंट फास्टिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंटरमीटेंट फास्टिंग एक खास तरह का ईटिंग पैटर्न है जिसमें खाने और उपवास करने के बीच 16 घंटे का ब्रेक होता है। जैसे कि आप अगर शाम में 6 बजे खा लेते हैं तो फिर सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना होता है, या फिर अगर आप रात के 8 बजे खाना खाते हैं और अगले दिन 12 बजे तक भूखे रहते हैं। इस हिसाब से आप 16 घंटे उपवास करते हैं। आप इस उपवास को एक हफ्ते में कई बार कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इंटरमीटेंट फास्टिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आजकल वजन कम करने के लिए इंटरमीटेंट फास्टिंग तेजी से लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। इस उपवास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके कारण पेट को खाना पचाने का भरपूर समय मिलता है, जिससे वजन बढ़ने की आशंका कम होती है और आपका पाचन तंत्र भी पहले से बेहतर हो जाता है। इंटरमीटेंट फास्टिंग करने से हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा और इंसुलिन का स्तर भी हमेशा नियंत्रित रहता है। दोस्तों, इस उपवास को करने से हमारे शरीर में मौजूद पुराने से पुराने विषैले पदार्थ बाहर आ जाते हैं और हमारा शरीर कई गंभीर बीमारियों से बचा रहता है। दोस्तों, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार ये बात सामने आई है कि इंटरमीटेंट फास्टिंग हमारे हृदय को हमेशा स्वस्थ रखने में मददगार होता है और इसे करने से हृदय रोग होने का खतरा भी 4 गुना तक कम हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।